I sit in my ride, think about you. Drive through the night, I got nothing to lose. Strobe city lights, they can tell me the truth. Tell me what I should do, I got nothing to lose. I got nothing to lose. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ, वेलकम टू पार्थ पिक्सल्स। और आज हमारे साथ है सैमसंग का नया F14 5G। डोंट थिंक, जस्ट बाय इट, शुड वी। सैमसंग का ये F14 फोन इंडियन कंज्यूमर्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है और ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये 16,000 का है 6GB वर्जन वाला, लेकिन अगर आप डिस्काउंट ऐड करेंगे तो ये 14,500 तक में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अनबॉक्सिंग के नाम पे मुझे कोई मजाक नहीं करना है, लेकिन इस डिब्बे में सिम इजेक्टर टूल, यूज़र मैनुअल, टाइप सी टू टाइप सी केबल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, F14 दो वेरिएंट में आता है। पहला है 4GB रैम का वेरिएंट, दूसरा है 6GB रैम का वेरिएंट। 128GB स्टोरेज दोनों फ़ोन में मिलेगी, दोनों वेरिएंट में मिलेगी, लेकिन 128GB में से आप सिर्फ 105GB यूज़ कर पाएंगे। बाकी का स्टोरेज एंड्रॉयड स्टॉक कंज्यूम कर लेगा। तो स्टॉप, एक बात और बता दूं कि ये 6GB का वेरिएंट है जिसमें से 6GB का रैम होता है, तो 6GB में से आपको सिर्फ 3GB यूज़ करने मिलेगा। तो जो 4GB का वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं, वो समझ लीजिए कि उनको करीब 2GB तक रैम यूज़ करने मिलेगी, जिससे कि फोन लैग हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। वैसे तो इसमें वर्चुअल मेमोरी का ऑप्शन है, लेकिन यू नेवर नो व्हाट यू गेट। इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसके डिज़ाइन कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आने वाली, लेकिन ये कुछ दिखने में प्रीमियम नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो इसकी लुक्स को कोई आँच नहीं आने देगा। इसकी बॉडी स्ट्रांग प्लास्टिक से बनी है, जो कि मेरे हिसाब से ग्लास बॉडी से बेहतर है प्रोटेक्शन के मामले में। ये फोन वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन IP67 के साथ ये स्प्लैश प्रूफ जरूर है, लेकिन इसे डुबाना मत, इसे डुबाएंगे तो ये डूब ही जाएगा। सिर्फ कुछ स्प्लैश छांटे बारिश में ये काम चल जाएगा, लेकिन इसको डुबाना नहीं है। वॉल्यूम रॉकर बटन और लॉक स्क्रीन बटन दोनों राइट साइड दिए गए हैं। और बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो वो ऑन स्क्रीन नहीं है, वो लॉक स्क्रीन पे ही इंस्टॉल किया गया है, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और ये भाई 3.5mm जैक काफ़ी सदियों बाद किसी सैमसंग के फ़ोन में देख रहा हूँ, और ये काफ़ी खुशी की बात है म्यूजिक सुनने वालों के लिए। लेफ्ट साइड पे सिम कार्ड ट्रे है, जिसमें दो सिम कार्ड इंस्टॉल हो सकता है, और साथ ही में एक माइक्रो SD कार्ड भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी आप 1TB तक कर सकते हैं। इस फ़ोन में 1330 का एक्सिनोस प्रोसेसर है। ये 5nm की चिप, 5nm यानी कि 5 नैनोमीटर की चिप जो है, वो प्रोसेसर की डेंसिटी को और बढ़ा देता है, और इसी वजह से ये पावर कंजप्शन कम करता है और प्रोसेसर की पावर को और बढ़ाता है। अब जब हम बात पावर की कर ही रहे हैं, तो इसमें 6000mAh की पावरफुल बैटरी आती है, जो डे टू डे यूज़ करने वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है। ये बैटरी कम से कम 2.5 से 2 दिन तक नॉर्मल यूजेज के लिए चल ही जाएगी, है ना ये मज़ेदार बात। F14 में 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हालांकि ये LCD डिस्प्ले सैमसंग के दूसरे सुपर अमोल डिस्प्ले जैसा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी सैमसंग ने इस प्राइस पॉइंट में, इस सेगमेंट में ये सुंदर और कलरफुल 16 मिलियन डेप्थ वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसका 90Hz रिफ्रेश रेट काफ़ी स्मूथ और बेहतर स्क्रीन स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस देता है। मूवीज और वीडियोस देखने में कॉन्ट्रास्टी और सुपर अमोल्ड वाली फीलिंग तो नहीं देता, लेकिन इस सेगमेंट में दूसरी ब्रांड से कंपेयर करें तो इससे अच्छा LCD डिस्प्ले शायद ही आपको कहीं देखने मिले। इस
इस फोन में सैमसंग ने 4GB रैम और 6GB रैम दो ही ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इसकी रैम आप 6GB तक और बढ़ा सकते हैं सैमसंग के रैम प्लस के साथ। अगर आप VRAM को एक्सपेंड करना चाहते हो तो सेटिंग में जाकर बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाके मेमोरी पे क्लिक करें, जिससे आप रैम के मेनू में पहुंचेंगे, जहां पे आपको रैम प्लस का ऑप्शन दिखेगा उस पे क्लिक कीजिए और रैम प्लस के मेनू में जाकर 2, 4 या 6GB किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फोन को रिस्टार्ट कर दीजिए, आपका फोन लैग फ्री हो जाएगा। इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 और सैमसंग का One UI 5.1 मिल जाता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सैमसंग अनाउंस कर चुका है कि सैमसंग इस फोन को पूरे 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देगा और पूरी 2 बार ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट देगा। तो ये काफी मजेदार बात है क्योंकि मुझे सैमसंग के अपडेट्स के मामले में पूरा विश्वास है। और रही बात गेमिंग की, तो ये फोन वो भी कर लेता है और वो भी बहुत अच्छी तरह से बिना किसी हीटिंग इशू के। लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करके S21 FE लेना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, करीब आधे घंटे तक कॉल ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लेयर खेलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी मज़ेदार फ़ोन है। इसमें बिल्कुल हीटिंग इशू मुझे फेस नहीं हुआ और जो गेम प्ले एक्सपीरियंस था मेरा वो भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। S21 अल्ट्रा में भी मैं COD खेल चुका हूँ, लेकिन इसमें जो खेलने में मज़ा आ रहा था वो कुछ अलग ही था। इट्स नाइस फ़ोन फॉर गेमिंग। अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, नॉर्मल यूज़ करने के लिए ये स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ये फ़ोन आसानी से मल्टीटास्किंग कर लेता है, एक साथ कई सारी ऐप ये चला लेता है, फिर वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो या कोई भी मुजरा वाली जो भी ऐप हो, सब एक साथ चला लेगा। कई सारी ऐप्स खोल के चलाने पर भी F14 काफी स्मूथ चलता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो यूज नहीं कर रहे हो ऐसे बैकग्राउंड ऐप्स हमेशा बंद रखें। इससे बैटरी भी बचेगी और प्रोसेसिंग पावर भी इम्प्रूव होगा और स्मूथ भी चलेगा। अगर बात करें इसके कैमरा की, तो सैमसंग ने इसमें 2 कैमरा दिए हैं। पहला कैमरा है इसका मेन शूटर जो है 50 मेगापिक्सल का, और दूसरा जो कैमरा है वो है माइक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का। क्यों सैमसंग, व्हाई, क्यों क्यों क्यों? इस माइक्रो कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे अच्छा आप अगर एक वाइड एंगल लेंस दे देते वो काफ़ी यूजफुल रहता। इसका मेन कैमरा अच्छे फोटोस ले लेता है, 50MP का ये मेन सेंसर ऑटो फोकस बहुत अच्छे से कर लेता है और सैमसंग का इमेज प्रोसेसिंग काफी अच्छा है, ये खींचे हुए फोटो को अच्छे से प्रोसेस करके उसे और एनहेंस कर देता है। डे लाइट में इसके कैमरा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और रही बात लो लाइट की, तो लो लाइट में इसका सेंसर छोटा होने की वजह से ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन फिर भी इसने काफी डिसेंट परफॉर्म किया है लो लाइट में भी। बात करें इसके वीडियो की, तो वीडियो रिकॉर्ड ये काफ़ी बेहतरीन कर लेता है। 1080p फुल HD में 30fps पे ये वीडियो शूट कर लेगा, नो 4K नो 2K, सिर्फ फुल HD 1080p में 30fps पे, नो 60fps सपोर्ट, वीडियो स्टेबिलाइजेशन इसमें अवेलेबल है और ऑटो फोकस इसका बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, तो थम्स अप टू दैट। आपको ये F14 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स नोट किए हैं, तो देखते हैं। इसका पहला मेन पॉइंट है 6000mAh की बेहतरीन बैटरी बैकअप आपको ये देता है, तो अगर आपको लंबी बैटरी चाहिए जो 2 दिन तक चल जाए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो है 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स और 2 बार ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड, इसके साथ सैमसंग ने आपको प्रॉमिस किया है।
और सैमसंग के उस प्रॉमिस पे मैं उसको बात मानता हूँ कि सैमसंग अगर बोला है तो देगा, सैमसंग टाइम पे अपनी अपडेट्स रोल कर ही देता है, ये तो पक्का है। इसके अलावा 3.5 mm जैक इसमें दिया हुआ है, तो अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो ये फ़ोन आपके लिए है। थोड़ा सा वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो ये कुछ स्प्लैश प्रूफ है, कुछ बारिश के छींटों में ये आपको साथ दे देगा। इसके अलावा ये इसका जो स्क्रीन डिस्प्ले है ये है अबव एवरेज डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले सुपर अमोल्ड जितना सुपर वाइब्रेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी डिसेंट है और मुझे इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। ये काफ़ी लाइट वेट है, यस ये काफ़ी लाइट वेट है, ये 206 ग्राम का स्मार्टफोन है। यही सब थे ये इस फ़ोन के प्लस पॉइंट। तो अगर आपको ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लग रहा है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है F14 सैमसंग का नया फ़ोन जो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, इसका प्रोसेसिंग पावर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गेमिंग बहुत ही अच्छी हो रही थी इसमें, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मुझे काफ़ी पसंद आया, इसमें स्टेबिलाइजेशन अच्छा था, 1080p था, 4K होता तो थोड़ा और बेहतरीन होता। बाय इट इफ़ यू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम। और अगले हफ्ते आने वाला है निकॉन का Z30 मिररलेस कैमरा का रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड ऑल, सो जस्ट सब्सक्राइब। I got nothing to lose.